तो हाय गाइस, मैं हूं आप सभी का नितेश ठाकुर और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है हमारे आज के स्पेशल शो का, तो फटाफट अंदाज में एक नजर डालते हैं बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों पर। जी हां, आजकल सलमान खान से ज्यादा चर्चा में सनी देओल की फिल्म है। जी हां, आप सभी को पता होगा कल सनी देओल की फिल्म बड़े पर्दे पर दस्तक दी थी। ऐसे में ब्रह्मास्त्र से ज्यादा क्रेज लोगों के बीच, कल थिएटर्स में दर्शकों के बीच काफी ज्यादा क्रेज सनी देओल की फिल्म चुप द रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट में देखने के मिला। ऐसे में दर्शक फिल्म की सनी देओल की फिल्म के साथ दुलकर सलमान भी है, उसी के साथ पूजा भट्ट भी इस फिल्म में है। ऐसे में दर्शकों को ज्यादा एक्साइटमेंट ब्रह्मास्त्र से, माना यह जा रहा है कि ब्रह्मास्त्र जितनी कमाई नहीं की है उससे ज्यादा कल की फिल्म में सबसे ज्यादा कमाई चुप की हुई है। आपको पता होगा इसके पहले सनी देओल की फिल्म आई थी जो कि बहुत ज्यादा हिट हुई थी। अभी भी जो फिल्म आई है चुप द रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट, और काफी ज्यादा समय के बाद इन्होंने बड़े पर्दे पर वापसी की है। सलमान खान की चुप के बाद और एक फिल्म आ रही है बड़े पर्दे पर जो कि दर्शकों के बीच पसीने छुड़ा देगा। आपको बता दें गदर 2 से और सकीना की जोड़ी को देखने के लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है। ऐसे में मेट्रो मुंबई की टीम ने भी कल थिएटर्स में जाके, आपको पता होगा कल थिएटर्स में कल 75 रुपीज में टिकट दे रहे थे नेशनल सिनेमा डे पे, और नेशनल सिनेमा डे पर लोगों का क्रेज देखने के मिला। थिएटर्स में कल सबसे ज्यादा दर्शक फिल्म देखने पहुंचे थे, और आपको पता होगा ब्रह्मास्त्र की सबसे ज्यादा कलेक्शन चुप द रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट फिल्म की हुई है। सनी देओल की फिल्म लगातार फिल्म लोगों को पसंद आती है, इसके आने वाली फिल्म गदर 2 से भी लोग काफी ज्यादा उम्मीदें में। और हमारे मेट्रो मुंबई की टीम ने जब बात किया था स्पेशली, तो दर्शक ये देख रहे थे कि आने वाली फिल्म जितनी ज्यादा फेमस गदर है उतनी ज्यादा फेमस कोई भी फिल्म नहीं हुई अगर हम चुप को कंपेयर करते हैं। तो दर्शक अभी से ये निगाह बिठाए हुए कि गदर उनकी फिल्म कब आएगी, जल्दी से जल्द देखने के लिए उनके बीच खलबली मची हुई है। और चुप द रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट में सलमान खान, सनी देओल, चिरंजीवी दुलकर सलमान के साथ ही प्रीति, पूजा भट्ट भी नजर आएंगी। ऐसे में दर्शकों के बीच काफी ज्यादा उतावलापन और देखा गया है, और लगातार इस फिल्म को लेकर अलग अलग जगह से फिल्म को रिलीज किया गया है। और आपको पता होगा इसके पहले फिल्म रिलीज हुई थी तो ज्यादा सिनेमाघरों में नहीं रिलीज हुई थी, लेकिन चुप ऐसी फिल्म है जिसे 1000 सिनेमाघरों में कल रिलीज हुई थी। और रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि ये फिल्म 4 करोड़ रुपया महज कमा लिया है सिर्फ एक दिन के कलेक्शन में। और आपको बता दूं कि इसके पहले सबसे कम बजट में फिल्म सनी देओल की पहली फिल्म जो सबसे कम बजट में बनी, लेकिन दर्शकों के बीच रिव्यू मिला है तो ऐसा मालूम पड़ता है ये फिल्म काफी ज्यादा हिट होगी, और लोगों के बीच ऐसा एक्साइटमेंट बना हुआ है। लगातार इस फिल्म को अलग अलग रिव्यू से अलग अलग तारीफें मिल रही थी, इनका किसी को व्यूज पसंद आया तो किसी को इनका कैरेक्टर पसंद आया, तो लोग इनको अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से उनको प्यार, हर सीन जो था दर्शकों को काफी ज्यादा सक्रिय था, काफी ज्यादा एक्साइटेड कर रहा था। ऐसे में लोग थिएटर्स के बाहर आते ही मीडिया को हर एक तरह से अलग अलग रिव्यू दिए, लेकिन अगर ब्रह्मास्त्र के कलेक्शन की अगर सनी देओल से बात की जाए तो ब्रह्मास्त्र का कलेक्शन ज्यादा हुआ है। कल के दिन भी ब्रह्मास्त्र तो हिट हो ही चुकी है, लेकिन सनी देओल की फिल्म को भी लोग लगातार हिट बनाने के लिए लगे हुए। ऐसे में देखना होगा एक रिपोर्ट के जरिए कि कैसे थिएटर्स के बाहर मेट्रो मुंबई चैनल ने स्पेशली इंटरव्यू लिया है लोगों का। उन्होंने बताया कि सनी देओल की ये फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी, हर एक सीन इंपॉर्टेंट था इसमें। तो इस रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ दर्शकों ने हमारे मेट्रो मुंबई के टीम से कहा है। ये तो खैर ठीक है, मगर गदर 2 बहुत भारी रहे। एक टाइप से ऐसा लग रहा था कि हाँ अभी अभी नजर नहीं हटनी चाहिए, अभी ये भी सीन इंपॉर्टेंट है, ये भी सीन इंपॉर्टेंट है, ऐसा सीन था सर। ये मैंने इनकी सब पिक्चरें देखी है, इसके अलग टाइप का रोल बताया इसने। देखिए आप जैसे लोग पिक्चर का टिकट निकाल के अपना कीमती समय देते हो पिक्चर को देखने के लिए, लेकिन पिक्चर कैसी है ये आप जैसे लोगों से पता चलता है? आप देखिए, आपने चुप देखी है, कैसा लगा? अच्छा लगा, इसमें पिक्चर दिखाया गया है और मुझे ठीक लगा। अगर बात करें सनी देओल की तो बहुत सालों बाद सनी देओल फिर से एक बार बड़े सीन पे आए, तो कैसा था सनी देओल का एक्सपीरियंस? ठीक था, मतलब जैसे बहुत दिन बाद आई थी, अभी तो मैं देखने आया था कि चला बहुत दिन बाद, बहुत सालों के बाद उनकी पिक्चर आई थी। सर आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि देखिए सनी देओल की गदर पिक्चर बहुत ज़्यादा छा गई, तो फिर से गदर तो आने वाली है, ऐसे में अपेक्षा है आपकी कि गदर 2 भी अच्छी होगी? गदर 2 ये तो खैर ठीक है, मगर गदर 2 बहुत भारी रहेगा, वो तो फिर पूछिए मत, वो तो सब लोग इंतजार कर गदर 2 के विषय में। आप भी आएंगे गदर 2? हाँ 100% आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, उनके भी तो हम तो वेट कर रहे हैं कि कब तक आप तो सर आज ही रिलीज कर दे। चलो सर, थैंक यू।
अच्छी लगी पिक्चर तो अच्छा है, डायरेक्टर अच्छा है ना बाल्की। जी मैंने इनकी सब पिक्चरें देखी है, इसके अलग टाइप का रोल बताया इसने कि इस ज़माने में क्या होता था, कृष्ण कैसे होता था, गुरुदत्त के बारे में बताया कि पिक्चर जो उस टाइम नहीं चली कागज़ के फूल पिक्चर के लिए इतना किया गया, उसके इतने गाने इमोशनल वगैरह सब दिखाया समझा, लेकिन उस टाइम क्या चलता था, स्टार्स वगैरह ये चलते थे, आजकल क्या चल रहा है समझा। बहुत अच्छे बने पूजा 80 और 90 के दशक में सनी देओल का नाम बहुत ज्यादा चर्चे में था। 2022 है ऐसे में आज के मुकाबले में आज के हीरो को सनी देओल टक्कर दे सकते नहीं सर, कोई नहीं दे सकता है, उसने उसकी जो आवाज़ है उसमें आवाज़ में दम है, उसमें बोलने की स्टाइल उसकी अच्छी ज़बरदस्त है। ब्रह्मास्त्र पिक्चर फ्लॉप होकर ऊपर आ गई समझा, वो बहुत पिक्चर लगता था गई गई, लेकिन थर्ड वीक में चल रही है। सर आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, हाँ जी, सबकी निगाहें सनी देओल की अगली पिक्चर पे गदर 2, हाँ क्या कहना चाहेंगे, गदर 2 भी आप देखेंगे? गदर 2 तो फिर भी देखूंगा, वो तो फर्स्ट क्लास पिक्चर थी यार, उसको तो उसके बारे में कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, उसी पिक्चर थी। अटेंशन था मतलब एक टाइप से एकदम फ्रेम टू फ्रेम चिपका हुआ ऐसा फील हो रहा था, सीन मिस हो रहा था, ऐसा सीन मिस करने ऐसा कोई सीन नहीं था, ऐसा एक रिव्यू है उसका एकदम, मतलब दिल जीत लिया। जैसे डायरेक्टर है आपको लगा पूरा पिक्चर है कॉम्पैक्ट पिक्चर है अच्छा पिक्चर है? मेरा वही बोल रहा हूँ ना, मतलब एक टाइप से ऐसा लग रहा था कि हाँ अभी नज़र नहीं हटनी चाहिए, अभी ये भी सीन इंपॉर्टेंट है, ये भी सीन इंपॉर्टेंट है, ऐसा सीन था सर। देखो आप युवा, एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि ब्रह्मास्त्र मूवी हाँ बहुत चर्चा हुई थी, हाँ अभी चुप पिक्चर जो आया है लगता है ब्रह्मास्त्र का कलेक्शन कम हो सकता है, चुप और अच्छी चलेगी? सी ब्रह्मास्त्र एक चुप एक टाइप से लेवल पे आके ऐसा है कि उसका उतना ये नहीं हुआ, ब्रह्मास्त्र को पहले से ज़्यादा अटेंशन दिया गया, ज़्यादा जो यूट्यूब व्यूअर्स है उनसे भी ज़्यादा अटेंशन मिला गया, चुप को उतना रिव्यू नहीं मिला। अगर चुप को स्टार्टिंग से अगर बता के ये करते एकदम, मतलब आप समझ रहे हो ऐसा एकदम उसका ये देखिए ये करते तो ज़्यादा कर फेमस होती। ब्रह्मास्त्र के अंदर सिर्फ VFX है ज़्यादा करके ये, लेकिन ब्रह्मास्त्र की स्टोरी लाइन चुप से अच्छी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारे साथ रोज जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सोमवार से शनिवार मेट्रो मुंबई।